नमस्कार पोल्ट्रीकिसान भाई, आप सभी का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPS। सो किसान भाई, इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं चिक्स रेट टुडे इन ऑल इंडिया के बारे में, बताने वाले हैं कि कहाँ पे किस जगह पे चिक्स का अभी क्या रेट चल रहा है। सो किसान भाई, सबसे पहले हम भैंकेज से शुरुआत करना चाहते हैं कि भैंकेज का अभी क्या रेट चल रहा है ऑल इंडिया में। तो चलिए भैंकेज का बात करते हैं, और जैसे कि ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करते हैं भैंकेज का। तो जैसे कि हरियाणा का बात करें तो हरियाणा में अभी 44 चल रहा है, 44 रुपये चल रहा है। अमृतसर का अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का रेट चल रहा है। और गुरुदेवपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है भैंकेज का। होशियारपुर की बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का रेट चल रहा है। जलंधर की अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का रेट चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कपूरथल का, अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। लुधियाना का बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। इसके बाद पटियाला का बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। इसके बाद हम संगरूर का बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। दिल्ली का अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। इसके बाद चंडीगढ़ का अगर बात करें तो यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है, 44 का। इसके बाद गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 43 का रेट चल रहा है, 43 का रेट आपको देखने को मिलेगा भैंकेज का। इसके बाद जम्मू का अगर बात करें तो यहाँ पे 45 का रेट चल रहा है, 45 का। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 45 का रेट चल रहा है भैंकेज का। उत्तराखंड का अगर बात करें तो उत्तराखंड का 46 का रेट चल रहा है, 46 का रेट चल रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का 46 का रेट चल रहा है, यहाँ पे 46 का रेट चल रहा है। और छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का 49 का रेट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का अगर बात करें तो यहाँ का 45 का रेट चल रहा है। बिहार का अगर बात करें तो 47 का रेट चल रहा है बिहार। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई को हमारे जानना है कि बिहार में क्या रेट चल रहा है अभी भैंकेज का, तो बिहार में अभी 47 का रेट चल रहा है भैंकेज का। झारखंड का अगर बात करें तो झारखंड का भी सेम रेट चल रहा है, 47 का रेट चल रहा है, 47 का रेट चल रहा है। और अगर बात करें कि हैदराबाद, तो हैदराबाद का भी 45 का रेट चल रहा है, 45 का रेट चल रहा है। असम का अगर बात करें तो असम का अभी 47 का रेट चल रहा है, 47 का रेट चल रहा है। केरला की अगर बात करें तो केरला का 41 का रेट चल रहा है, 41 का रेट चल रहा है। एमपी की अगर बात करें तो एमपी का 44 का रेट चल रहा है, 44 का रेट चल रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर का 44 का रेट चल रहा है, यहाँ भी 44 का रेट चल रहा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा का 47 का रेट चल रहा है, यहाँ भी 47 का रेट चल रहा है। और कटक का अगर बात करें तो कटक का 47 का रेट चल रहा है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का 48 का रेट चल रहा है, 48 का रेट चल रहा है। नॉर्थ बंगाल की अगर बात करें तो नॉर्थ बंगाल का 48 का रेट चल रहा है, सेम रेट है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल का, 48 का रेट है, 48 रुपये करके है। और साउथ बंगाल की अगर बात करें तो साउथ बंगाल का 47 का रेट चल रहा है, 47 का रेट चल रहा है। पुणे की अगर बात करें तो पुणे का 42 रेट चल रहा है, 42 रुपये चल रहा है। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में 47 का रेट चल रहा है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का 38 रुपये चल रहा है, 38 रुपये करके चल रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का 45 का रेट चल रहा है, 45 का रेट चल रहा है। इसके बाद तेलंगा का बात करें तो 46 रुपये चल रहा है, 46 रुपये चल रहा है। बेंगलोर का अगर बात करें तो बेंगलोर का 41 का रेट चल रहा है, 41 का। और कर्नाटक का अगर बात करें तो कर्नाटक का 41 का रेट चल रहा है। सो किसान भाई, चलिए आप जानते हैं कि फोनिक्स का क्या रेट चल रहा है टुडे इन ऑल ओवर इंडिया में। फोनिक्स का बहुत सारे फोनिक्स का भी किसान भाई जानने को मन होगा कि फोनिक्स का भी क्या रेट चल रहा है। तो देखिए, पंजाब में अभी फोनिक्स का जो रेट है वो 44 रुपये है, 44 रुपये। इसके बाद दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी 44 रुपये चल रहा है और 44 रुपये। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 47 का रेट चल रहा है फोनिक्स का। जम्मू में अगर बात करें तो जम्मू 45 का रेट चल रहा है फोनिक्स का। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 45 का ही रेट चल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का 46 का रेट चल रहा है, 46 रुपये। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी 46 का रेट चल रहा है, यहाँ भी 46 का रेट चल रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 50 का रेट चल रहा है फोनिक्स का, छत्तीसगढ़ 50 का रेट चल रहा है फोनिक्स का। बैंगलोर का अगर बात करें तो बैंगलोर में अभी 44 रुपये चल रहा है फोनिक्स का। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी 47 का रेट चल रहा है फोनिक्स का, जो कि भैंकेज और फोनिक्स का सेम रेट अभी बिहार में चल रहा है। और झारखंड में भी 47 रेट है फोनिक्स का। तो फोनिक्स और भैंकेज की अगर बात करें किसान भाई, तो अभी सेम रेट चल रहा है फोनिक्स और अगर भैंकेज की अगर बात करें तो सेम रेट चल रहा है, 47 47 रुपये चल रहा है पर बट के हिसाब से।
और हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद का 45 रुपया है जो कि 45 है। आसाम की अगर बात करें तो आसाम का अभी 47 रुपया है 47। एमपी की अगर बात करें तो एमपी का 47 रुपया है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का 48 रुपया है जो कि 48 रुपया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा का 48 रुपया है 48 रुपया। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का 45 रुपया है 45 रुपया महाराष्ट्र का। किसान भाई ये थी फोनिक्स का रेट, और जैसे कि हम बैंकेज का भी रेट आपको बता ही चुके होंगे कि बैंकेज का भी क्या रेट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। किसान भाई ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी अगर आपको बॉलर पॉलिटिक्स से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम आपका कमेंट का रिप्लाई कर सकें। तो कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसान भाई चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।